गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये हमारा साइंस के ऊपर, और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि वर्क एंड एनर्जी के बारे में क्या होता है, हमने उसके बेसिक्स जाने थे, हमने पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन भी देखा था। सो आज हम एक छोटा सा इस पर न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारा इसी टॉपिक पर बेस्ड है। सो क्वेश्चन है ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो हमको जो है वर्क डन इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमारा वर्क डन कितना हुआ। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हमारे पास फोर्स है, फोर्स हमारे पास दी है 5 न्यूटन। न्यूटन का जो हमारा जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सो फोर्स हमारा हो गया कैपिटल एन, ये हमारा सॉरी 5 न्यूटन। उसके बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 2 मीटर का, यानी कि 2 मीटर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो खसका है। अब हमको वर्क डन का जो फॉर्मूला है होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास फोर्स है 5 न्यूटन, यानी कि 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर कैसे आया, क्योंकि न्यूटन है यूनिट फोर्स की और मीटर है डिस्प्लेसमेंट की, तो इनको भी हमने पावर मल्टीप्लाई सॉरी जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो यूनिट्स भी इसमें आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 10 जूल, यानी कि 10 जूल। सो अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में हमको वर्क डन निकालना है जहाँ पे हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया है, तो वहाँ पे हम सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे। वर्क डन हमारा यहाँ पे था 5 न्यूटन, और सॉरी फोर्स था हमारा 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट था 2 न्यूटन। हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर, या आप लिख सकते हैं 10 जूल। जूल जो है वो यूनिट होती है वर्क डन की भी, या हम उसको एनर्जी की भी यूनिट कह सकते हैं। सो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन इट्स हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि एक पॉटर है, उसने 15 किलो का जो वज़न है वो उठाकर ज़मीन से अपने सिर के ऊपर रखा, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर ज़मीन से। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, यानी कि अब हमको कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसमें हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास, मास है हमारा 15 kg, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमारा हो गया कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन में है मास जो कि है 15 किलो, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 1.5 मीटर। अब हमको वर्क डन निकालना है यहाँ पे, तो वर्क डन में हम यहाँ पे निकालेंगे। वर्क डन का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये हो गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमको करना क्या है, अब आप इसमें देखिए कि हमने ज़मीन से नीचे से ऊपर उठा के रखा है, तो इसमें एक फोर्स और लगी है जिसको कहते हैं हम ग्रेविटी, यानी कि
इस वजन को उठाने के लिए ग्रेविटी को भी अपोज करना पड़ा, यानी ग्रेविटी लगती है नीचे, हमने इसको ऊपर लगाया, तो इस ग्रेविटी को भी हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी इतना फोर्स हमको और देना पड़ा ताकि हम इसको ऊपर ले जा सकें। तो इसी वजह से हम जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब फोर्स यहाँ पे देखिए, आप जो है फोर्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फोर्स अलग से तो दिया नहीं है, फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं जो है हमारा मास। तो मास को हम यहाँ पे जो ये है मास, ये बेसिकली है वेट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू ग्रेविटी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 15 इंटू 10 इंटू 1.5, यानी 15 केजी हो गया मास, 10 उस पर जो हो गया वो हो जाएगा आपका ग्रेविटी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे राउंड फिगर में 10 लिया है, और डेढ़ जो हो गया 1.5 जो हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 225 केजी मीटर सेकंड इनवर्स मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल। तो हम इन तीनों में कोई से भी लिख सकते हैं, या तो हम फिर न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या फिर हम 225 जूल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें हमको फोर्स ना देके मास दिया हुआ हो, तो मास में हमको ग्रेविटी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ सरफेस पे हमारे पास ग्रेविटी है। अगर हमको स्पेस का क्वेश्चन है कि अगर ये मास है स्पेस में, तो हम ग्रेविटी वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ 15 × 1.5 करते, लेकिन ज़मीन है या अर्थ है, इस पर ग्रेविटी भी है, तो ग्रेविटी से जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो हमको मास में ग्रेविटी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से वर्क डन के फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो है सॉल्यूशंस हम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वेट है तो उसमें हम मास इनटू ग्रेविटी का यूज़ करेंगे, अगर फोर्स है तो हम उसको फोर्स की जगह पे ही रख देंगे। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये तो डायरेक्शन में था फोर्स के, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में लिया था, लेकिन अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम इसको नेगेटिव में लेते। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको नेगेटिव में लेते। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आता, यानी कि जो नेगेटिव वर्क डन में वो हो जाता, जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ वर्क डन में पढ़ा था। सो आज हमने दो न्यूमेरिकल देखे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।